नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुदे बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। किसानों के आंदोलन का केंद्र अब गाजीपुर बॉर्डर बन गया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत धरने पर अड़ गए हैं और उन्हें अब राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिल रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर आज सुबह से ही बड़ी संख्या में किसानों का आना जाना जारी है। हजारों की संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुँच रहे हैं। गाँव से किसान राकेश टिकैत के लिए पानी और मट्ठा भी लाए हैं। बीते दिन से ही राकेश टिकैत अनशन पर है और उन्होंने ऐलान किया था कि वो गांव का ही पानी पिएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन अब बड़ा रूप ले रहा है। आंदोलन के स्टेज पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी आज टिकैत से मिलने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रशासन पर किसानों को हटाने का दबाव हो सकता है, लेकिन किसान हटना नहीं चाहते। किसानों का मुद्दा संसद में उठना चाहिए। जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार को लगता है कि वे किसानों को कुचल देंगे। ऐसा नहीं होगा। जब से आदित्यनाथ यूपी में सीएम बने हैं, यूपी धारा 144 के तहत है। किसान यहां घर बनाने नहीं आए हैं, वे यहां तीन कानूनों को वापस कराने आए हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, पीएम हमारे किसान मजदूर पर वार करके भारत को कमजोर कर रहे हैं। फायदा सिर्फ देश विरोधी ताकतों का होगा। दिल्ली जयपुर हाईवे पर स्थित जयसिंहपुरा खेड़ा बॉर्डर पर आज ग्रामीणों की महापंचायत होगी। हाईवे खोलने की मांग पर ग्रामीण अड़े हुए हैं। बॉर्डर पर राजस्थान सीमा में धरना दे रहे किसानों के प्रति ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं। लंबे समय से हाईवे बंद होने से ग्रामीणों की आजीविका पर असर पड़ रहा है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राकेश टिकैत से कल रात फोन पर बात कर राकेश टिकैत के सेहत के बारे में हालचाल जाना और कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों के हित की लड़ाई लड़ रही है। आपको बता दें, दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर जहाँ भी किसानों का आंदोलन हो रहा है, वहाँ आज भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।